हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक पैक टीवी की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली टीवी एड्स के बारे में। दोस्तों, आप जब भी कोई टीवी एड देखते हैं और खास करके जब वो टीवी एड किसी खाने की चीज के ऊपर हो तो उस एड को देखने वाले इंसान के मुंह में तो पक्का पानी आता होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो भी आपको टीवी एड्स में देखने को मिलता है वो बिकता नहीं है और जो बिकता है वो टीवी एड्स में दिखता नहीं है, तो क्या आप इस बात को समझ पाओगे? क्योंकि जो आपको टीवी एड्स में प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, अगर आपने इन चीजों को बनते हुए देख लिया तो फिर आपका भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन होगा, सब क्या देखना पड़ रहा है। और अगर आपने गलती से इन चीजों को खा लिया तो फिर बस सबकी यही दुआ होगी कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। क्योंकि किसी भी खाने की चीज की टीवी एड को बनाने के लिए इनमें ऐसे ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिसका कि खाने से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम ऐसी टीवी कमर्शियल को देखने वाले हैं जो कि टीवी एड्स में दिखती तो कुछ और है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट को रियलिटी में देखते हैं तो वो कुछ और ही निकलता है। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसका नाम है टीवी एड्स वर्सेस रियलिटी। नंबर वन, सुपर स्पोर्ट कार्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी गाड़ी का शूट करने के लिए आप कहां पर जाओगे तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये जवाब होगा किसी रेसिंग ट्रैक या फिर खुली सड़क पर। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन गाड़ियों का शूट एक कमरे में होता है तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, शायद से काफी लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक बार इस एड को बनते हुए देख लो जिसमें कि असली गाड़ी नहीं बल्कि नकली गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बच्चों वाली, और उसे भी सड़क पर नहीं बल्कि ट्रेडमिल पर चलाया जाता है। और इसके बाद जरूरत होती है तो सिर्फ एक बढ़िया कैमरे और एडिटिंग सॉफ्टवेयर की, क्योंकि इन गाड़ियों को शूट करते हुए जरा से भी गलती हुई तो कंपनी को ये चीज काफी महंगी पड़ सकती है, जिसकी वजह से इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन कंपनीज के पास एक और तरीका है जिससे गाड़ी का शूट करते हैं, और वो है ये गाड़ी जो कि किसी भी गाड़ी में बदल जाती है। नहीं, ये जादू वाली गाड़ी नहीं है बल्कि इस गाड़ी का नाम है ब्लैक बर्ड, और इस गाड़ी की लेंथ को कंट्रोल किया जा सकता है और फिर बाकी काम होता है VFX का। नंबर टू, चिकन। दोस्तों, जो चिकन की एड होती है उसको देखते समय आपके मुंह में पक्का पानी आता होगा, लेकिन अगर आपने इस एड को बनते हुए देख लिया तो आपको इसको कभी भी खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इसको पका हुआ दिखाने के लिए यानी कि रोस्टेड दिखाने के लिए कमर्शियल मेकर्स चिकन को कलर स्प्रे से पेंट करते हैं और फिर चिकन को काफी फूला हुआ दिखाने के लिए उसके अंदर गुब्बारा डाल देते हैं, कुछ इस तरह। और अब बारी आती है लेग पीस की। दोस्तों, पहले तो इस लेग पीस को अच्छी तरह जलाया जाता है, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर से रोस्ट किया जाता है, और फिर इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर चॉकलेट और सोया सॉस को मिक्स करके डाला जाता है, जिसके बाद देखने में तो ये काफी टेस्टी लगता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले को पता है कि ये चीज क्या है। नंबर थ्री, आइसक्रीम्स। दोस्तों, आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आइसक्रीम का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता बल्कि नकली आइसक्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आलू के मिक्सचर टाइप चीज से कुछ बनती है और फिर ग्लू के अंदर कलर डाल के इसके ऊपर लगा दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगे। और दोस्तों, ये चीज इसलिए की जाती है क्योंकि आइसक्रीम शूट होने में काफी टाइम लगता है और इतनी देर में आइसक्रीम पिघल जाती है, तो फिर टाइम बचाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फोर, विमल पान मसाला। दोस्तों, आपने आजकल देखा होगा कि काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विमल की एड कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगेन ये टीवी एड्स वाले एडवर्टाइजमेंट उसकी करते हैं जो इन्हें बेचना नहीं होता, लेकिन बिकता वो है जो इन्हें बेचना होता है। क्या समझ आया? नहीं आया तो अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, ये ऐड करते हैं विमल इलायची की, लेकिन दुकानों पे बिकता है विमल पान मसाला, जिसको कि कभी मत खाना वरना ऊपर चले जाना। और दोस्तों, जो ये एडवर्टाइजमेंट परफॉर्म करते हैं यानी कि सेलिब्रिटीज, वो इलायची भी नहीं खाते बल्कि वो मिल्क पाउडर खाते हैं, और कई बार तो उसमें कुछ होता भी नहीं है, बस इनके हाथ में एक ग्रीन कलर का कुछ होता है जिसके बाद बस सारा काम होता है VFX का। और दोस्तों, ये सारी सिरदर्दी इसलिए की जाती है क्योंकि इंडिया में किसी भी नशीली चीज का एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार करना इनलीगल है, और फिर इन सब चीजों के लिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी जल्दी से रेडी भी नहीं होता क्योंकि वो इस पान मसाले को खाने से मना करते हैं। नंबर फाइव, बियर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बियर की एड्स में आपको काफी ज्यादा झाग दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें झाग होते नहीं है, लेकिन जब टीवी एड्स बनाई जाती है तो बियर के अंदर शैम्पू मिलाया जाता है जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा झाग दिखाई देते हैं।
जाते हैं। और कई बार तो बियर को काफी कलरफुल और ब्राइट दिखाने के लिए बियर के जगह पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपने कोल्ड ड्रिंक से पड़ी हुई बर्फ तो देखी होगी जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जब हम रियलिटी में कोल्ड ड्रिंक के अंदर बर्फ डालते हैं तो हमें वैसी नहीं दिखती। तो दोस्तों जो इसके पीछे रीजन है वो ये है कि एड्स में इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर नकली बर्फ डाली जाती है जो कि प्लास्टिक के क्यूब्स के अंदर पानी भरा रहता है, और फिर इसको ठंडा दिखाने के लिए ग्लास के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है जो कि काफी अट्रैक्टिव होती है। और दोस्तों इस चीज को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को शूट करने में काफी टाइम लगता है और इतनी देर में बर्फ पिघल भी सकती है। नंबर 6, फ्रूट्स। दोस्तों आपने फ्रूट्स को तो एडवर्टाइजमेंट में पक्का देखा होगा जो कि एडवर्टाइजमेंट में काफी शाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें आज तक रियल लाइफ में कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं दिखा होगा जो इतना शाइन करता हो। तो दोस्तों जो ये फ्रूट इतना शाइन करते हैं उसका रीजन होता है हेयर स्प्रे। जी हाँ दोस्तों, इन एडवर्टाइजमेंट को शूट करने के लिए फलों के ऊपर हेयर स्प्रे डाला जाता है जिसकी वजह से फ्रूट काफी ज्यादा शाइन करते हैं। तो दोस्तों ये तो था इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सी एडवर्टाइजमेंट का बिहाइंड द सीन पसंद आया। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो टेकफैक्ट टीवी को इन सभी जगहों पे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो ताकि आपको रोज ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको उन लोगों के बारे में जानना है जो कि ये दावा करते हैं कि वो टाइम ट्रेवल करके आए हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लो, वरना ये वाली वीडियो देख लो, ये मैंने अभी डाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।